नमस्कार दर्शकों, मैं हिमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नौसा में फुटपाथ पर से व्यापारियों को हटाने पर व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वलसाड में कोरोना वायरस से बचाव हेतु पतंजलि योग समिति ने यज्ञ आयोजित किया। खड़की और डुंगरी गांव में स्वच्छता अभियान के तहत डस्टबिन वितरण की गई। पार्डी शहर में भाजपा के नए कार्यालय का हुआ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार में। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सिलवासा के विस्तार में रोड के बाजू में गरीब व्यापारियों को फुटपाथ से हटाया गया। दादरा नगर हवेली आदिवासी विस्तार के वास्तविकता छुपाने के लिए सांवरणी, मसाड, रखोली, अंबोली, दपाड़ा और खानवेल जैसे विस्तार में रोड के बाजू में छोटा मोटा व्यापार करके जीवन निर्वाह करने वाले आदिवासी समाज और गरीब वर्ग की दुकानों को तोड़ दिया गया। उनको सिर्फ एक दिन के लिए उठना है ऐसा करके, और मंत्री का दौरा है इसलिए एक दिन के लिए आपको हटाना होगा। अब ग्राम पंचायत के सरपंच और मंत्री प्रशासन के उच्च अधिकारियों द्वारा और पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारियों द्वारा गरीब आदिवासी वर्ग को दुकान लगाने से अभी डराया जा रहा है। मटके का है, सब फ्रूट का है, किसी का क्या क्या धंधा है। तो प्रशासन वहाँ का क्या बोलता है? वो बोलते हैं गटर ऊपर बैठे, फिर भी बोलते हैं नहीं बैठने का, इधर मना कर रहे हैं। मना कर रहे हैं तो आप यहाँ आई कलेक्टर के पास? हाँ, इधर आए, पंचायत ऑफिस गए। क्या मांगी आपकी? बस हमारे लोग बैठने की जगह दो सब लोगों को। अच्छा, कितने व्यापारी है वहाँ? बहुत है, सब खड़े हैं, सब 200-250 व्यापारी। अच्छा, तो किसी को फुटपाथ में बैठने नहीं बोल रहे? नहीं बैठने का। हर एक धंधे वाले बेकार हो गए। बेकार बोलो, हद से बात बेकार हो गए। किसी का धंधा चौपट बोलो, हद से बात कर दिया, लाखों का नुकसान कर दिया। आप कौन से धंधा करते हो? मेरा वही है, कटलरी का धंधा है, तरबूज का धंधा है, ऐसे वगैरह वगैरह धंधा है मेरा। हमारा सीजन का धंधा रहता है। हमको कुछ नहीं, हमको एक मार्केट चाहिए। खानवेल के अंदर हमारा एक खानवेल तालुका बन गया। खानवेल के अंदर एक मार्केट चाहिए, वो भी पंचायत है, इसकी बाजू में जगह चाहिए। वलसाड पतंजलि योग समिति द्वारा कोरोना वायरस से बचने हेतु यज्ञ किया गया। कोरोना वायरस के चलते हुए उससे बचने के उपाय हेतु के साथ पतंजलि योग समिति वलसाड द्वारा शाम तपोवन सोसाइटी में हवन का आयोजन किया गया है, जिसमें वातावरण की शुद्धि होगी और साथ साथ जो कोरोना वायरस के कीटाणु हवा में फैले हैं उसका नाश होगा। वातावरण की शुद्धि के कारण हमारे ऊपर कोई भी उसकी असर नहीं होगी। हमारा जीवन स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए ऐसे हवन कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। खड़की और डुंगरी गांव में आगेवान द्वारा स्वच्छता अंतर्गत डस्टबिन का वितरण करने में आया। आरडी तहसील के खड़की और डुंगरी गांव में खड़की के आगेवान परिवार शीतलबेन हर्षद भाई पटेल द्वारा स्वच्छता अभियान अंतर्गत खड़की गांव की प्राथमिक विद्यालय, ऑफिस, हॉल, कंप्यूटर रूम, लैब और गांव के दुकानदारों को डस्टबिन वितरण करने में आया था, जिसका मुख्य हेतु गाँव में स्वच्छता और लोगों में जागृति लाना था। इस अवसर पर विद्यालय के आचार्य, शिक्षक और दुकानदारों ने शीतलबेन पटेल के परिवार का आभार व्यक्त किया।
पार्डी में भाजपा कार्यालय का विधायक के हाथों शुभारंभ किया गया। पार्डी शहर में शनिवार की शाम को भाजपा कार्यालय का उद्घाटन पार्डी विधायक कनुभाई देसाई के हाथों करने में आया था। पार्डी शहर और तालुका के भाजपा के होद्देदार और कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे। कार्यालय पार्डी मोरारजी देसाई ऑडिटोरियम हॉल के सामने हाईवे स्थित श्री अपार्टमेंट में बिल्डिंग में पार्डी शहर भाजपा प्रमुख और सभ्य उपस्थित रहे थे। बहुत दिनों बाद कार्यालय शुरू होने की वजह से भाजपा कार्यकर्ता में खुशी का माहौल छाया था। कई जगह पर कार्यालय खुलते लेकिन इस कार्यालय का हेतु लोक सेवा का है। આજે પાર્ટી શહેરના કાર્યા ભાજપ કાર્યાલયનું ઉદઘાટન આજે પાર્ટી શહેરમાં નેશનલ હાઈવે ઉપર કરવામાં આવ્યું અને એમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના સૌ સાંસદો અગ્રણી સંસ્થાઓ RSSના ડૉક્ટર રાજેશભાઈ રાણા જગદીશભાઈ તેમજ પાર્ટી શહેર ભાજપે રાજેશભાઈ મહામંત્રીઓ કિશનભાઈ મનોભાઈ અને જિલ્લાના મહામંત્રીઓ પરમીભાઈ અને દીપકભાઈ સહિત ઘણી બધી સંખ્યામાં કાર્યકરો હાજર રહ્યા અને જે રીતે આ કાર્યાલયમાં આ સમયનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું એ સમય જ બતાવે છે કે કાર્યકરોમાં કેટલો ઉત્સાહ છે। દમણ ન્યૂઝ ને વક્ત એક છોટે સે બ્રેક કા। वापी शहर में पहली बार SSB इंस्टीट्यूट ला रहा है कई ट्रेनिंग कोर्स जिससे आप ब्यूटी पार्लर की दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। हमारे यहाँ कई इंटरनेशनल कोर्स सिखाए जाते हैं जैसे कि हमारे यहाँ प्रोफेशनल फैकल्टी द्वारा हेयर कटिंग की थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लास का भी आयोजन है। इंस्टीट्यूट की ओनर शीतल गिलानी अपने छात्र को खुद नेल आर्ट और मेकअप की ट्रेनिंग देती है। तो देर किस बात की, आज ही हमारे SSB इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें और अपने भविष्य को दे एक नई पहचान। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 720-39-555-32-720-39-555-46। ओली हंगामा सुविधा द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम सुविधा मा होली हंगामा तारीख 7 मार्च थी तारीख 15 मार्च सुधी दरेक ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स एकच स्थळे सुविधा धरमपुर अने किल्ला पार्डी मा अद्भुत डिस्प्ले मा खरीदीनी मजा लो साथे 60
ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ મેળવો. દરેક પ્રોડક્ટ્સની ખરીદી પર બજાજ ફાઇનાન્સમાં 0% વગર વ્યાજે અને સરળ હપ્તે ખરીદવાની સગવડ. વધારામાં કેશબેક ઓફરો તો ખરી જ, શરતો લાગુ. તો આજે જ પધારો તમારી જાણીતી માનીતી સુવિધામાં અને હોલી હંગામાનો લાભ લો. સુવિધા ઠાકુર કોમ્પ્લેક્સ, ધરમપુર વલસાડ રોડ, ધરમપુર, અને અભિનવ પાર્ક ઠોસર હોસ્પિટલની બાજુમાં કિલ્લા પારડી. દમન ન્યૂઝ પ્રસ્તુત કરતા હૈ કોરોના વાયરસ પ્રિવેન્શન એન્ડ કંટ્રોલ. વોશ યોર હેન્ડ્સ. અપને હાથો કો સાબુન વ પાણી સે તકરીબન 20 સેકન્ડ્સ કે લિયે ધોએ ઓર એક અલ્કોહોલિક બેઝ સેનિટાઈઝર અપને સાથ રખે. ડુ નોટ સ્પ્રેડ, ડિસ્ટ્રીબ્યુટ. છીંકતે સમયે અપને મુંહ એવમ નાક કો ઢક કર છીંકે ઓર હો સકે તો નેપકિન કા પ્રયોગ કરે ઓર નેપકિન કો એક ક્લોઝ ડસ્ટબિન મે ડિસ્પોઝ કરે. અવોઇડ પીપલ બીંગ હોલી ઓન ધી એજ ઓફ સેલિબ્રેશન. ભારી લોગો કી ભીડ સે બચે જિસસે આપ કિસી ભી પ્રકાર કે સંક્રમણ સે બચ પાએ. ડિસઇન્ફેક્ટ ધ એન્વાયરમેન્ટ. અપને આસપાસ સફાઈ રખે. સ્વચ્છ ભારત અભિયાન કો યાદ કરે. બી અવેર, ડોન્ટ બી અફ્રેડ. જાગૃત રહે, ડરે ના. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका. एलसीबी ने शराब भरी कार का पीछा कर नाना कोंडा से शराब तस्कर को गिरफ्तार किया. दमन से शराब तस्करी करने के शराब तस्करों के पास कई तरीके हैं, मगर पुलिस द्वारा तस्करी के इस मामले में कड़ा रूप अपनाने पर शराब तस्करी करने वाले दमन की जगह अब सिलवासा से तस्करी कर रहे हैं, जिसका एक ताज़ा तरीक मामला नाना कोंडा के पास आए पानस गांव में देखा गया, जिसमें पुलिस द्वारा शराब ले जा रही एक कार का पीछा कर 1,30,800 की शराब जब्त की. पुलिस ने इस मामले में कार सहित 5,31,300 का सामान जब्त कर आगे की कार्यवाही शुरू की. सिलवासा प्रदेश में भागवत कथा के पूर्व निकली कलश यात्रा 22 मार्च को पूर्णाहुति पर महाप्रसाद का आयोजन. सिलवासा प्रदेश में श्रीमद् भागवत कथा के पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई. 16 मार्च दोपहर करीब 12:30 बजे आनंद नगर से कलश यात्रा का प्रस्थान हुआ. आगे आगे पोथी सवार वाहन रथ चला, पीछे पीछे कलश लिए कन्याएं और सुहागिन स्त्रियां मंगलयान करती हुई चली. वाहन रथ के साथ कथा के आयोजक कर्णधार भी चले. अम्बा माता मंदिर टोकरखाड़ा पहुँच कर कलश यात्रा पूर्ण हुई. उसके बाद पोथी पूजा के बाद शाम से कथा का श्री गणेश हुआ. राधे राधे सेवा समिति की ओर से यह भगवत कथा हो रही है. 16 से 22 मार्च तक रोजाना कथा चलेगी. 22 मार्च को शाम 7 बजे महाप्रसाद है. सैकड़ों भावी भक्त महाप्रसाद का लाभ लेंगे. बहुत सौभाग्य की बात है. मैं आनंद नगर सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये लोग श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किए हैं, जिसमें आज कलश यात्रा था. कम से कम 500 लेडीज का कलश यात्रा हुआ. उसके लिए हम अपनी और सब इतनी कड़ी धूप में नंगे पाव आनंद नगर से लेकर के टोकर खड़ा अम्बा मंदिर, अम्बा माता मंदिर के यहाँ से होते हुए कलेक्टर ऑफिस आनंद नगर रिटर्न लोग आए हैं. इसके लिए अपनी माताओं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो हमारे साथ सपोर्ट हर जगह खड़ी रहती हैं. जहाँ अपन रहते हैं वहाँ लोग आते हैं. और दूसरा अपनी कमेटी मेंबर को धन्यवाद देती हूँ कि कहीं भी हो, जहाँ भी हो, लोग तत्पर रहती हैं करने के लिए. इसके लिए मैं बहुत बहुत अपनी मेंबर लोगों, कमेटी मेंबर को धन्यवाद देती हूँ. और यहाँ पे 7 दिन का भागवत रखा गया है, जिसमें 22 तारीख को पूर्णावती है भागवत का. यहाँ काशी से महाराज जी आए हैं, जो 7 दिन का श्रीमद् भागवत कथा होने वाला है. आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ सिलवासा वासियों को अनुग्रह करती हूँ, आग्रह करती हूँ सभी से कि 7 दिन का भागवत है, आए भागवत में कथा का लाभ उठाए और सब अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित करें. पार्टी के बुजुर्ग मंदिर से वापस न लौटते पुलिस थाने में शिकायत हुई दर्ज. पारडी के सोना दर्शन अपार्टमेंट में रहते कृणाल भाई देसाई ने रविवार को पारडी पुलिस मथक में फरियाद दर्ज करवाई कि शनिवार को वो बाजार में काम हेतु गए थे. उस वक्त उसके पिताजी ईश्वरलाल देसाई उम्र वर्ष
असीम घर पर हाजिर थे, पर जब घर लौटे तो पिताजी घर पर नहीं थे। उनको लगा कि उनके पिताजी मंदिर गए हैं, इसलिए तुरंत छानबीन नहीं की, लेकिन कई घंटे तक न लौटते छानबीन शुरू की। फिर भी पिताजी न मिलते, पुलिस मथक में गुम होने की फरियाद दर्ज करवाई। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नौसा में फुटपाथ पर से व्यापारियों को हटाने पर व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वलसाड में कोरोना वायरस से बचाव हेतु पतंजलि योग समिति ने यज्ञ आयोजित किया। खड़की और डुंगरी गांव में स्वच्छता अभियान के तहत डस्टबिन वितरण की गई। पार्डी शहर में भाजपा के नए कार्यालय का हुआ शुभारंभ। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।